नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं जनसंख्या प्रवसन क्या होता है, यानी कि माइग्रेशन जो क्या होता है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और संचार से संबंधित कुछ मुद्दे भी हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ इसमें हम कुछ डेटा देखेंगे, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और संचार है, इसमें हम डेटा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सड़क जो है वो मार्ग कौन से देश में है, सबसे ज़्यादा रेल मार्ग कौन से देश में है, कैनाल्स विश्व की मुख्य मुख्य कौन सी है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि यूपीएससी का आजकल का ट्रेंड है कि वो ऐसे पूछ लेती है क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के, कि सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन जो है वो चीन में है, सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन भारत में है, या भारत की तुलना में चीन के पास ज़्यादा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने का आजकल ट्रेंड यूपीएससी ने बना रखा है। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कहीं से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या प्रवसन। कल हमने जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया था जो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये बोरिया बिस्तर उठा के आदमी जा रहे हैं, इसे ही कहते हैं प्रवसन। जब कोई व्यक्ति अपना एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवसन या माइग्रेशन कहा जाता है ना। इसमें एक देश की जनसंख्या जो है किसी दूसरे देश या क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है, यानी एक क्षेत्र या एक देश की जनसंख्या दूसरे क्षेत्र या दूसरे देश में स्थानांतरित हो जाती है ना। इसकी वजह से देशों की जनसंख्या के आकार में, उसके वितरण में और उसकी संरचना में परिवर्तन आता है। कैसे? जनसंख्या का आकार बढ़ सकता है, घट सकता है। वितरण में देखिए, महिलाएं ज़्यादा हो सकती है, कहीं पुरुष ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, पुरुष लोग जो है आमतौर से गाँव से शहरों में प्रवसन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जॉब की तलाश में, और महिलाएँ रह जाती है गाँव में, है तो महिलाएँ आप देखोगे तो गांव में उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ये तो वितरण प्रभावित हो गया ना, संरचना प्रभावित हो जाती है ना। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो युवा वर्ग के लोग हैं वो माइग्रेशन ज़्यादा करते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए हो या जॉब के लिए हो। फिर साथ ही साथ उनके बाद में देखते देखते उनके जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, सगे संबंधी, वो भी माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कोई युवा है, उसने माइग्रेट कर लिया, गाँव से आ गया दिल्ली पढ़ने के लिए, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर वो सेटल हो गया, उसके बाद में शादी हो गई तो उसके बीवी बच्चे सब यहाँ इधर आ जाएंगे, हाँ, और उसके माँ बाप भी बाद में इधर आके रहने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये होता है जनसंख्या का प्रवसन। अब प्रवसन तो होता है, पर इसके कारण क्या है? भाई कुछ ना कुछ तो कारण होते होंगे, इसीलिए तो आदमी माइग्रेट करता होगा। ऐसा तो किसी को अपना घर छोड़ने की कोई वो अपने मन से तो कोई छोड़ता नहीं है। कौन आदमी है जो अपने मन से घर छोड़ना पसंद करेगा, है ना। तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, है ना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में कौन सा आएगा? जैसे कोई धार्मिक संकट की वजह से देश छोड़ना पड़ जाए, है ना। इस ऐसे जैसे कि म्यांमार है, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ के भागना पड़ रहा है, तो वो माइग्रेशन हो गया ना। और यहूदियों को जर्मनी से भागना पड़ गया था, तो ये सब क्या हो गया? सामाजिक सांस्कृतिक कारण हो गए। राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं कि कोई एक देश है वो दूसरे देश के लोगों को बाहर निकाल दे रहा हो, है ना। तो इस प्रकार से कोई एक देश आक्रमण कर दे रहा हो, तो जैसे सीरिया वगैरह पर आक्रमण होता रहता है तो वहाँ के लोग बाहर जाते रहते हैं, तो वो राजनीतिक कारण हो जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि उत्तरी अमेरिका में जाके बस गए यूरोप के बहुत सारे लोग, और वहाँ जाके फिर उन्होंने उपनिवेश स्थापित कर लिया। और जैसे कि यहूदियों को जर्मनी से भगा दिया गया था, ये राजनीतिक का भी उदाहरण हो सकता है और सामाजिक सांस्कृतिक का भी उदाहरण हो सकता है, क्योंकि उन्हें धर्म के आधार पर, उनकी प्रजाति के आधार पर उनको बाहर निकाला गया था ना, संस्कृति के आधार पर, ठीक है। फिर आ जाते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक में क्या आएगा? जो भी संसाधन है उनकी वजह से आदमी जाता हो। अगर कहीं पर संसाधन कम है और कहीं पर ज़्यादा है, तो जहाँ पर ज़्यादा आर्थिक संसाधन है उस ओर आदमी माइग्रेट कर जाता है, है ना। फिर आते हैं भौतिक कारण। भौतिक कारणों में आ जाते हैं जैसे कोई बाढ़ आ गई, है ना, भूकंप आ गया, कोई ज्वालामुखी आ गई, है ना, कोई अकाल पड़ गया, तो वहाँ के लोग फिर माइग्रेट करके दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो ये आ जाता है भौतिक कारणों में, है ना। अब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी माइग्रेशन के कारण है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब कोई चीज़ अपने को खींच रही है, पुश फैक्टर मतलब कोई चीज़ धक्का दे रही है, आपको निकलने के लिए वहाँ से मजबूर कर रही है। समझो, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गांव से शहर की ओर आकर्षित कर रही है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गांव से निकलने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये हो गया पुल और पुश फैक्टर। तो पुल फैक्टर्स में क्या हो सकता है? यानी कि यही अनुकूल फैक्टर्स जो हैं वो, ये हो गए पुल फैक्टर्स। तो अनुकूल फैक्टर्स या पुल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा? जैसे हेल्थ केयर, शहरों में अच्छा हेल्थ केयर होता है तो लोग
शहरों में आ जाते हैं। हालांकि गांव में ठीक है होता है, पर उसकी तुलना में शहरों में ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी वजह से लोग शहरों में आ जाते हैं। एजुकेशन शहरों में अच्छी होती है इसलिए लोग आ जाते हैं। मनी यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है, रोज़गार वगैरह। शांति शहरों में अच्छी खासी रहती है ना। यानी शहरों का मतलब अगर किसी देश में शांति है, समझ रहे बात, अगर किसी देश में किसी क्षेत्र में शांति है तो अशांत क्षेत्र से लोग शांति वाले क्षेत्र में आना पसंद करते हैं, है ना। किसी क्षेत्र में भोजन वगैरह की समस्या नहीं है, जैसे मान लो सीरिया वगैरह में, गाजा वगैरह में भोजन की बहुत सारा ज़्यादा समस्या है वहाँ, तो वहाँ से लोग ऐसी जगह में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर भोजन वगैरह आसानी से उपलब्ध हो, है ना। फिर जहाँ पर शहर का जीवन हो अच्छा खासा, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। जॉब्स ज़्यादा हो वहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। ये सब तो हो गए पुल फैक्टर्स, है ना, यानी कि ये आपको आकर्षित करते हैं। परंतु कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको प्रतिकूल घटक कहा जाता है कि मजबूर होकर आपको वहाँ से निकलना पड़ता है, जैसे कि क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, है ना। किसी जगह पर आप कहो कि सूखा पड़ गया तो वहाँ के लोगों को अब निकलना ही पड़ेगा वहाँ से, ये मजबूरी हो जाती है उनकी, क्योंकि वहाँ पर रहेंगे तो खाएंगे क्या। बाढ़ आ गई, है ना, अगर वहाँ रहेंगे तो डूब जाएंगे, तो निकलना ही उनको पड़ेगा वहाँ से, ये होता है क्लाइमेटिक डिजास्टर्स। फिर किसानों के जीवन जो होगा, किसानों का जीवन कहीं पर दुखमय है तो फिर वो लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ जाता है। मान लीजिए राजस्थान के पश्चिमी भागों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, तो वहाँ के किसान सिर्फ वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते, खेती पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए वहाँ के किसान माइग्रेट करके दक्षिणी राज्यों में, उत्तरी राज्यों में और दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। युद्ध, किसी क्षेत्र में अगर युद्ध हो रहा हो तो वहाँ के लोग भी फोर्सफुली माइग्रेट हो जाते हैं, यानी मजबूरन उन्हें जाना पड़ता है, जैसे गाजा पट्टी में भी आप देख लीजिए, है ना। फिर पावर्टी, अगर किसी जगह पर गरीबी है बहुत ज़्यादा तो वहाँ के लोगों को मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है, तो ये हो गया प्रतिकूल घटक, है ना। अभी उन्हें कोई चीज़ लुभा नहीं रही है, वो दूसरी जगह जाएंगे ये इसलिए नहीं जा रहे दूसरी जगह कि वहाँ पर अच्छी लाइफ मिलेगी, बल्कि वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाइफ ख़राब है, आप समझ रहे हैं ना। तो इसके वजह से इन्हें कहा जाता है पुश फैक्टर्स। तो ये पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स जो है हमने देख लिया, अगर कहीं पे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन भी यूपीएससी में बन जाते हैं कि प्रवसन के कारण जो है क्या क्या है। अब प्रवसन से संबंधित एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ही प्रवसन के बारे में भी बताया गया है। तो ये रिपोर्ट जो है कौन निकालता है, निकालता है वर्ल्ड बैंक निकालता है, है ना। ये वर्ल्ड बैंक की साइट से ही मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और इस रिपोर्ट का नाम था माइग्रेंट्स रेफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़। तो ये रिपोर्ट का नाम और ये रिपोर्ट आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, जिसमें माइग्रेशन के बारे में भी जानकारी दी होती है। और इस रिपोर्ट 2023 जो की रिपोर्ट जो है, उस 23 की रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और संचार वाले मुद्दों पर, माफ़ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और संचार वाले मुद्दों पर, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सड़क के बारे में कि सबसे ज़्यादा हम ये नहीं देखेंगे सड़क क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, ये सब जानकारी बहुत कम काम में आती है, डेटा वाली चीज़ें ज़्यादा याद आती है, काम आती है। तो सड़क के बारे में अगर हम सबसे पहले देखें तो सड़कें जो है वो सबसे ज़्यादा सड़कें कौन से देश में है, तो वो है US में, फिर इंडिया में, फिर चीन में, फिर ब्राज़ील में और फिर रूस में। टॉप 5 हमने देख लिए हैं। अमेरिका में देखिए, इंडिया में देखिए, यहाँ पर चाइना तीसरे नंबर पे है, ब्राज़ील चौथे नंबर पे और रशिया पांचवें नंबर पे हैं। तो कल को UPSC स्टेटमेंट देगी कि इंडिया में विश्व की सबसे ज़्यादा बड़ी सड़क जो है उसकी श्रृंखला पाई जाती है ना। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर ये दे देगी UPSC, ऐसा भी दे सकती है कि चाइना जो है उसमें सबसे ज़्यादा सड़क प्रणाली है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार चीन हर चीज़ में आगे होता है, चीन होगा। और आजकल आपको पता ही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, ये वाला खेला खेल रही है UPSC, तो आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, है ना। तो ना एक नंबर पर इंडिया है, ना एक नंबर पर चाइना है, एक नंबर पर है US, सबसे ज़्यादा सड़कें US में हैं, फिर चाइना, फिर इंडिया में है, फिर चाइना में है ना। तो हमारे देश में, भारत में चाइना से ज़्यादा सड़कें हैं परंतु US से कम है, ठीक है। अब यह है विश्व के प्रमुख सड़क महामार्ग आपको दिए गए हैं, इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन UPSC ने पूछा नहीं है, है ना। फिर आप कहोगे सर आपने दिया क्यों है, भाई कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये ऐसा भी पता होना चाहिए, वैसा भी पता होना चाहिए, तो शांति से बैठ के एक बार ये पढ़ लेना, मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं है। एक बार आप भी नज़र मार लीजिएगा, अगर कहीं
गलती से क्वेश्चन बन जाए, तो वैसे बनने के चांस बहुत कम है, 0.00001% को चांस है कि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। तो आपको भी ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस आंखों के सामने से निकाल दीजिएगा। सड़क के बाद में आ जाता है रेल नेटवर्क में, तो रेल नेटवर्क में भी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है US के पास में, फिर है रूस के पास में, फिर चीन के पास में, फिर भारत के पास में। तो सड़क के मामले में हम 2 नंबर पे आया करते थे US के बाद में, परंतु रेलवे नेटवर्क के मामले में हम 4 नंबर पे आते हैं, है ना। और यहाँ से अगर कुछ विश्लेषण हमें करना हो तो देखिए, US जो है वो सड़क में भी 1 नंबर पे है और वो रेल में भी 1 नंबर पे है, पर 2 नंबर पे सड़कों में आता था इंडिया, परंतु यहाँ पर 2 नंबर पे आ गया रूस, है ना। और चीन में देखिए, भारत से ज़्यादा रेलवे है परंतु सड़कें जो है वो भारत में चीन से ज़्यादा है। ये थोड़ा सा आप देखना कि सड़कें भारत में चीन से ज़्यादा है और चीन में रेलवे जो है वो भारत से ज़्यादा है। ये समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। अब है विश्व के जलमार्ग वाले प्रमुख देश की, जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनलैंड वाटरवेज किसमें हैं, तो वो चीन में सबसे ज़्यादा इनलैंड वाटरवेज हैं, फिर रूस में, फिर ब्राज़ील में, फिर US में, फिर इंडोनेशिया में, फिर वियतनाम, और भारत का नंबर तो 7वां आता है ना। तो टॉप 5 में भी भारत का नाम नहीं है जलमार्ग के मामले में, अपने यहाँ तो बहुत कम जलमार्ग हैं, है ना। चीन में सबसे ज़्यादा लंबा जलमार्ग जो है वो पाया जाता है, फिर आ जाता है रूस में, ठीक है जी। अब आ जाते हैं विश्व के प्रमुख प्रमुख नहर मार्गों के बारे में, तो जो मुख्य मुख्य नहर मार्ग हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है स्वेज नहर, तो ये स्वेज नहर है कहाँ, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। देखिए यहाँ पर आइए, ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर, तो ये देखिए, ये लाल सागर यहाँ से जाके यहाँ तक है, आगे यहाँ पर कैनाल बनाई गई है जिसे स्वेज नहर बना कहते हैं, और ये है भूमध्य सागर, तो इस लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए यहाँ पर बनाई गई है स्वेज कैनाल या स्वेज नहर, है ना, ठीक है। और इसको बनाने का कार्य देखिए 1854 में शुरू कर दिया गया था, परंतु ये बनकर तैयार होती है 1869 में, याद ये डेट इसकी ईयर याद रखना, कब इस ये बनकर तैयार हुई थी, तो 1869 में जो है इसको चालू कर दिया गया था, और फ्रांसीसी एक इंजीनियर हुआ करते थे फर्दिनंद डेलेप्सिस, उनको ये कार्य दिया गया था कि भैया आप इसको इसका नक्शा वगैरह सब बनाओ, तो ये इंजीनियर ने जो है ये बनाया था, है 1869 में ये बनकर तैयार हो गई थी स्वेज नहर, है ना। अब देखिए, ये पश्चिम में ये मिस्र की नील घाटी के निचले भाग में और भाग और पूर्व में जो सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई प्रायद्वीप, उसको ये अलग करती है, तो ये देखिए ये सिनाई प्रायद्वीप है और ये है नील नदी की घाटी अफ्रीका की, है ना, तो इससे ये जोड़ती है किसको, सिनाई पेनिनसुला को। यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ दिखेगा आपको, देखिए ये जो है ना, ये इजिप्ट है मिस्र, और ये यहाँ तक भी मिस्र देश ही है, और ये जो है ये इजिप्ट का ही पार्ट है जिसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। तो देखिए ऐसा भी आपको याद रखना है कि ये सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है, तो सिनाई प्रायद्वीप देखिए यहाँ पर, इसकी लोकेशन आप ध्यान रखना है आपको, क्योंकि UPSC में आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये प्लेस कहाँ पर है ना, ठीक है। देखिए इसके उत्तर में मंजाला, मध्य में तिमसा और दक्षिण में बृहद बिटर झील इसमें है, तो देखिए यहाँ पर ये बिटर झील हो गई, है ना, तो यहाँ पर बिटर झील, मंसाला, मंजाला और तिमसा, ये इस प्रकार की यहाँ पर झीलें भी पाई जाती है, और ये दलदली झीलें कहला होती हैं, और इसकी चौड़ाई वगैरह ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 168 किलोमीटर ये लंबी है, किलोमीटर कितने हैं, तो 168 किलोमीटर लंबी ये है, और इसके उत्तरी सिरे पर है पोर्ट सईद और दक्षिण सिरे पर है पोर्ट स्वेज, तो यहाँ पर है पोर्ट स्वेज और यहाँ पर है पोर्ट सईद, याद रखना आपको, है ना। भूमध्य सागर में से पोर्ट सईद है, लाल सागर में है पोर्ट स्वेज, ये हमने देख लिया स्वेज नहर के बारे में, और ये इजिप्ट से होकर गुजरता है ना, क्योंकि ये भी देखिए इजिप्ट का पार्ट है, ये भी इजिप्ट का पार्ट है, तो इजिप्ट के बीच से होकर ये गुजरता है, और विश्व का बहुत सारा व्यापार जो है ना वो यहीं से होता है, अगर इससे पहले व्यापार होता था केप ऑफ गुड्स और होप से होते हुए, यानी अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के तट से होकर गुजरा करते थे, है ना। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण नहर आ जाती है पनामा नहर, तो पनामा नहर कहाँ है, तो ये है अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशन जो है ना, यानी प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है पनामा नहर, और इसका निर्माण कार्य देखिए 1906 में शुरू किया गया था, यानी कि पनामा नहर जो है वो पुरानी नहीं है किससे,
किससे? स्वेज नहर से। स्वेज नहर पुरानी है पनामा नहर से, और पनामा स्वेज नहर बड़ी भी है पनामा नहर से, है ना। और 15 अगस्त 1914 को ये जलपोतों के लिए खोल दी गई थी, और ये पनामा जल संधि को काट कर बनाई गई है ये नहर। तो देखिए ये पैसिफिक ओशन, ये इधर कैरिबियन ओशन है ना, इस प्रकार से ये बनाई गई है। और ये नहर अटलांटिक महासागर के तट से प्रशांत महासागर तट तक 64 किलोमीटर लंबी है। ये सिर्फ 64 किलोमीटर लंबी है, और स्वेज नहर कितनी थी? 168 किलोमीटर लंबी हुआ करती थी, है ना। और इसकी न्यूनतम गहराई जो है वो मात्र 12.3 मीटर है। इतना सब ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझो कि ये ज़्यादा गहरी ये नहीं है। और पनामा नहर जो है वो स्वेज नहर से अलग है, क्योंकि इसमें लॉकिंग प्रणाली के माध्यम से जहाज जाते हैं। लॉकिंग प्रणाली क्या होती है? तो उसमें ये होता है कि मान लीजिए ये पूरी एक नहर है, और यहाँ पर पानी कम होता है, तो जहाज आएगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर पानी भरा जाएगा और ये जहाज ऊपर उठेगी और इस लॉकिंग सिस्टम में जाएगी, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा, इसमें पानी भरेगा और ऊपर जाएगी और यहाँ से फिर वापस जाएगी। लॉकिंग प्रणाली एक बार आप YouTube पर निकाल के देखना, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और इस नहर के तीन मुख्य मुख्य लहर जो लॉक है वो है, एक है गाटुन लॉक, एक गेलाडकट लॉक और पेड्रो मिगुवेल लॉक। ये आपको याद रखने में से जरूरत नहीं है। देखिए ये रहा गेलाडकट लॉक है यहाँ पर, एक गाटुन लॉक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर गाटुन लॉक दिया गया है ना। तो इस प्रकार से आपको ये देखिए पेड्रो मिगुवेल लॉक जो है ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो पनामा नहर के बारे में इतना याद रख लेना कि भैया ये देखिए यहाँ पर है, ये पनामा देश है यहाँ पर पनामा नाम का, तो उसके बीच से होकर ये गुजरता है। इससे पहले क्या होता था कि अगर ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी अगर बंदरगाहों से जहाज को आना होता था पूर्वी बंदरगाहों पर, तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा के यहाँ पर आना पड़ता था। यानी सैन फ्रांसिस्को से अगर आपको न्यूयॉर्क आना हो तो आपको ऐसा पूरा चक्कर लगा के आना पड़ता था, है ना। परंतु जो कि 20,900 किलोमीटर पड़ता था, और अब ये मात्र 8,370 किलोमीटर में काम हो जाता है, यहाँ से ये गुजरती है ना। और ये 1904 में शुरू हुई थी इसको बनाना, और 1914 में जो है ये शुरू हो जाती है काम करने में, ठीक है। और ये नई है स्वेज नहर से, और साथ ही साथ ये छोटी भी है शहर स्वेज नहर से, ठीक है। उसके बाद में छोटी छोटी और बहुत सारी नहरें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कील नहर है, तो ये कील नहर नॉर्थ सी जो है उत्तरी सागर, उसको बाल्टिक सागर से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। तो ये नॉर्थ सी है और यह है बाल्टिक सी, अगर ऐसा आना पड़ता था पहले, परंतु ये यहाँ से बना दी गई कील नहर, डेनमार्क से होते हुए ये गुजरती है ना। तो यहाँ से जब ये कील नहर बना दी गई, तो अब ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर दिया गया है। अब तो इसकी दूरी कम हो जाती है ना। देखिए ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है ना, ये फिनलैंड है, ये यूके है, ये आयरलैंड है, ये जर्मनी है, ठीक है। तो हमने देख लिया कील नहर के बारे में। फिर गोटा नहर है, ये नहर देखिए स्वीडन में स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में बनाई गई है, ये स्वीडन है ना। तो ये गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के बीच में बनाई गई है गोटा नहर। देखिए यहाँ पर ये स्वीडन है, तो स्वीडन में गोटा नहर, देखिए गोटा केनाल आपको यहाँ पर दिख रही होगी, है ना। यह है गोटा केनाल यहाँ पर, तो स्वीडन के अंदर ये बनाई गई है। फिर आ जाती है स्टालिन नहर, तो ये स्टालिन के नाम से, स्टालिन कहाँ का हुआ करता था? रूस का। तो ये सोवियत संघ में है, ये रोस्तोव और स्टालिनग्राड को मिलाने वाली एक नहर है, इसे वोल्गा डॉन नहर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये पूरी नहर जो बनाई गई है इस प्रकार से, ये वोल्गा डॉन नहर है, ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्हाइट सी वगैरह को भी ये जोड़ती है ना। उसके बाद आ जाती है नॉर्थ सी नहर, यानी उत्तरी सागर की नहर, और ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडम को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो नॉर्थ सी की यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ सी कैनल है, तो ये एम्स्टरडम नीदरलैंड की राजधानी, और इसको ये जोड़ती है ये उत्तरी सागर से, है ना। तो इस प्रकार से हमने ये भी देख ली है उत्तरी सागर से। तो कील नहर हमने देख ली है यहाँ पर, जो कि उत्तरी यूरोप में बनाई गई है बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी से जोड़ने के लिए। फिर गोटा नहर जो है कि वो स्वीडन में है, स्टालिन नहर जो है वो सोवियत संघ में है, और नॉर्थ सी जो नहर है वो नॉर्थ सी को जोड़ती है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडम को, है ना।
उसके बाद में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक नहर परियोजना है, सॉरी गैस परियोजना है, तापी परियोजना, ये एक इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी आजकल तो ठंडे बस्ते में है क्योंकि पाकिस्तान भी कोई इसके ऊपर काम कर नहीं रहा है, और अफगानिस्तान में हालत आपको पता ही है, तालिबान जो है सत्ता में आ चुका है, ईरान की स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए ये परियोजना भी जो है ठंडे बस्ते में है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत इसमें शामिल हुआ करते थे। तो तुर्कमेनिस्तान से लेकर ये भारत तक आने वाली थी, है ना? तुर्कमेनिस्तान से होते हुए फिर ये हेरात होते हुए फिर कंधार, फिर क्वेटा पाकिस्तान में, फिर मुल्तान और भारत में फाजिल्का तक ये आने वाली थी तापी गैस परियोजना। और किसकी सहायता से? एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से ये परियोजना जो है पूरी होने वाली थी, परंतु अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। और इसमें प्रतिवर्ष देखिए 3.2 अरब घन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा सकती है चारों देशों में, और इसका विस्तार है तुर्कमेनिस्तान के गलकिनाइश तेल क्षेत्र से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के हेरात, कंधार और पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान होते हुए भारत के फाजिलका तक इसका विस्तार होना है, और इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। तो तापी गैस परियोजना का आप नाम याद रखना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, परंतु अभी ये पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए विश्व के प्रमुख प्रमुख पोर्ट दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये हम देख लेते हैं एक बार। बड़े बड़े रोटरडैम जो है ये विश्व का सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है, और यूरोप में राइन नदी की सहायक नदी न्यूमास नदी पर आधारित ये स्थित है रोटरडैम, है ना? रोटरडैम पोर्ट। फिर है लंदन पोर्ट, लंदन थेम्स नदी पर है। कौन सी नदी पर? लंदन, ये लंदन पोर्ट तो थेम्स नदी पर है, ये भी आपको याद रखना, ये थेम्स नदी पर है। और विश्व का सबसे बड़ा पुनः वितरण केंद्र इसको माना जाता है, और आयातित चाय के लिए, है ना, ये क्लाइड नदी के मुहाने पर स्थित है। तो थेम्स नदी के मुहाने पर स्थित है, माफ कीजिएगा, क्लाइड नदी पर तो ग्लासगो है, तो ब्रिटेन जो ये लंदन जो है वो थेम्स नदी के मुहाने पर स्थित है, और रोटरडैम जो है वो राइन नदी की सहायक नदी है। राइन नदी कहाँ बहती है? तो जर्मनी वगैरह में राइन नदी बहती है। नदियों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में नदियों वाला चैप्टर ढूंढिए, वहाँ पर नदियाँ मैंने पढ़ाई है विश्व की मुख्य मुख्य, ठीक है। यहाँ पर है ग्लासगो, ग्लासगो क्लाइड नदी के किनारे पर ही स्थित है, और ग्लासगो इसमें भी इसलिए भी न्यूज़ में था कि COP26 जो था वो ग्लासगो में ही हुआ था, जहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री ने पंचामृत की अवधारणा दी थी। लिवरपूल जो है वो मर्सी नदी के किनारे पर है, और ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है लिवरपूल, ये भी ब्रिटेन में है। एम्स्टर्डम ये यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और हीरे तराशने और पॉलिश करने के लिए प्रसिद्ध नगर है एम्स्टर्डम, है ना? फिर आता सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो फिनलैंड की खाड़ी पर स्थित रूस का प्रसिद्ध नगर और पत्तन है सेंट पीटर्सबर्ग। इस्तांबुल कहाँ है? तो इस्तांबुल आपका है टर्की में, ये बास्पोरस जलडमरू मध्य और यूरोप और एशिया के मध्य का द्वार इसे कहा जाता है इस्तांबुल को। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी भी है कोपेनहेगन, और इसकी इसका ये प्रमुख पत्तन भी है। ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच एक व्यापारिक केंद्र का काम करता है। अगर न्यूयॉर्क देखें तो न्यूयॉर्क है हडसन नदी के मुहाने पर, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है कि अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो वो है न्यूयॉर्क। और लंदन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पुनर्वितरण केंद्र है ना, और सबसे बड़ा विश्व का सबसे अधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है रोटरडैम, ठीक है। न्यू ऑरलियंस मिसिसिपी नदी पर है, और न्यूयॉर्क जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है अमेरिका के। मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का एक प्रमुख नगर है और पत्तन है। सेंट लॉरेंस और ओटावा नदियों के संगम पर स्थित है मॉन्ट्रियल। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ है? तो पूर्वी कनाडा में ये है, मैंने आपको नदियों वाले चैप्टर में ऑलरेडी सब पढ़ा रखा है। सेंट फ्रांसिस्को ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी तट पर पाया जाता है, और ये प्राकृतिक पत्तन है सैन फ्रांसिस्को। वैंकूवर जो है ये फ्रेजर नदी पर है, और ये कनाडा में है। ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी भी है और एक प्रमुख पत्तन है, और लाप्लाटा नदी पर है। मेलबोर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पत्तन है। सिंगापुर, तो सिंगापुर तो देश है खुद ही अपने आप में, पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से भी, काल के नाम से भी जाना जाता है। और कंटेनर की क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट है सिंगापुर, कंटेनर के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। फिर यहाँ पर आता है शंघाई, तो शंघाई जो है वो चीन की हुआंगहो नदी पर, या इसे येल्लो नदी भी कहते हैं,
येलो रिवर, मैंने रिवर वाले चैप्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो येलो रिवर पर स्थित है शंघाई पोर्ट और ये विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, साथ ही साथ मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए, लदान की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा, और कंटेनर की दृष्टि से देखा जाए तो सिंगापुर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है शंघाई। योकोहामा है जापान के टोक्यो खाड़ी में स्थित है। केंटन ये सिक्यांग नदी पर है। तो देखिए केंटन ये औद्योगिक प्रदेश भी है। मैंने UPPCS का हाल ही में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में देखा था, ऐसे आपको औद्योगिक क्षेत्र और देशों में मिलान करने के लिए दिया था, वहाँ पर केंटन का नाम आया था। तो केंटन सिक्यांग नदी पर, और ये है चीन में, तो केंटन जो है वो चीन में पड़ता है। बोर्की ये है मर्रे डार्लिंग नदी के मुहावने पर, तो मर्रे डार्लिंग का है ऑस्ट्रेलिया में। मनाओस और इक्विटोस है अमेजन नदी पर स्थित है। सांटोफे ये पराना नदी पर, ये साउथ अमेरिका में है। मर्सलीज ये सीन नदी पर है, और सीन नदी कहाँ पर बहती है, यूरोप में बहती है। और ओडर नदी पर स्थित है फ्रैंकफर्ट और स्टेटिन। बोर्डो जो है गेरो नदी पर है। हेम्सबर्ग, ब्रॉसविक और ड्रेसडेन जो है एल्ब नदी पर, ये सब नदियाँ मैंने आपको पढ़ा रखी ऑलरेडी। ब्रिम्बेन और हनोवर वेजन नदी पर है ना। तो एक बार आपके आंखों के सामने से ये निकला होना चाहिए, कान में एक बार पड़ जाए कुछ चीज़ें, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप मेजर मेजर पोर्ट्स, अब ये हांगकॉन्ग है, ये योकोहामा है जापान में, बॉम्बे जो है वो भारत में है, मुंबासा सिंगापुर यहाँ पर देख सकते हैं आप, पोर्ट सही आप देख सकते हैं, ये है मिश्र में, लिबो लोबितो कैपटाउन है यहाँ रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है, यह डकार पोर्ट है, ये रोटरडेम है यहाँ पर, ये न्यूयॉर्क पोर्ट है, ये न्यू ओरियंस है, ये सैन फ्रांसिस्को, ये वैंकूवर है, ये लीमा जो है ये पेरू में है, यहाँ पर सिडनी और फ्रेमेंटल पोर्ट यहाँ पर है ना। तो इस प्रकार से हमने मुख्य मुख्य पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली है। एक बार आप इनकी लोकेशन और देख लीजिएगा ठीक से, है ना। कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से बन जाए फैक्चुअल तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं, और अब थोड़े दिन के लिए हम जो ये नॉर्मल डिस्कशन है अपने, इसको हम रोक देते हैं, क्योंकि UPPCS का एग्ज़ाम है 17 मार्च को। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं कि अब पिछले 30 सालों के जो UPPCS के पेपर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना, एक एक करके, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके, है ना, उस सारे टॉपिक उसमें होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका रिविजन जो है वो सही से हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिए तो भी आप जो उनको सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखिए अब आप ये कहोगे कि सर ये तो धोखा हो गया है और ये वो हो गया हमारे साथ, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा एक तरीके से, और UPSC भी आजकल देखिए फैक्ट्स बहुत पूछने लगी है, तो वो फैक्ट्स भी आपके रिवाइज होते जाएंगे एक तरीके से, रिवीजन आपका हो जाएगा वो, है ना। तो ये मैं आपको थोड़ी सी सूचना देने वाला था, और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव कोई है जो PCS की तैयारी कर रहा हो, IAS की तैयारी कर रहा हो, या कोई किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ निठल्ला बैठा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो भी आप चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ दो ज्ञान की बात उसे भी मिल ही जाएगी। जो ब्रह्मांड का 0.001 का हिस्सा भी कोई ज्ञान है मेरे पास तो वो, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं, और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।